हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ट्रेलर के अपडेट के बारे में। आपको ये न्यूज काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड कर सकती है, तो अपने कमेंट्स को काबू में रखकर अच्छे कमेंट्स करिएगा। अभी हाल ही में एक ट्रेलर लॉन्च हुआ स्पाइडरमैन का कॉमिक कॉन में ब्राजील, जिसमें कि हमें ये हिंट मिली कि ये मूवी कहीं पर भी बिलोंग नहीं करती है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एवेंजर एंड गेम की, क्योंकि हमें कोई ऐसी हिंट नहीं मिल रही है कि स्पाइडरमैन के ट्रेलर में जो हमें सीन दिखे उसकी जो डिस्क्रिप्शन आए उसमें कहीं पर भी हिंट नहीं थी कि ये मूवी कहाँ से कनेक्टेड होगी। पर फाइनली इसकी रूमर्स आए कि ये ट्रेलर आपको 18 तारीख को देखने को मिलेगा ऑनलाइन। इसकी कंफर्मेशन भी हो चुकी थी, पर बीच में मार्वल स्टूडियो ने क्लेम कर दिया सोनी कंपनी के ऊपर कि वो अभी इस मूवी के ट्रेलर को लॉन्च ना करें, क्योंकि इसका असर एवेंजर एंड गेम पे पड़ेगा, क्योंकि वो इस चीज से रिवील्ड हो जाएगा कि स्पाइडरमैन एक्चुअल में कैसे आया वापस अपनी टाइमलाइन में, क्योंकि वो इस चीज को कैसे दिखाएंगे और काफी सारे सीन चेंजेस भी होंगे ऑनलाइन ट्रेलर में। तो गाइस, ये था वो अपडेट। तो आज के दिन आपको ट्रेलर देखने को नहीं मिलेगा और इस मंथ भी नहीं। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।